गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से पूछा, क्या देश को फिर से बांटने के लिए अलग शरिया कोर्ट की स्थापना होगी? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी जी अंबेडकर की चर्चा करते हैं, गांधी का नाम भी लेते हैं, पर अंबेडकर और गांधी ने कभी नहीं कहा कि देश को फिर से बांटने के लिए देश में अलग कोर्ट की स्थापना की जाएगी। कानून बनने के बावजूद नहीं थम रहे तीन तलाक के मामले। उत्तर प्रदेश के शामली में मुस्लिम महिला को लड़की पैदा होने पर पति ने दिया तीन तलाक, पति को थी बेटे की चाह। शरीयत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट। चौतरफा विरोध के बाद शरीयत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरीयत कोर्ट खोलने पर अड़ा। बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज, कहा गुजरात चुनावों के समय जने उधारी बन गए थे, मुस्लिमों की सरपरस्ती कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस नेता द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ शर्मनाक आरोप लगाना उनकी हताशा को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में चट्टान गिरने से 7 लोगों की मौत, 33 लोग हुए जख्मी। जल प्रवाह रियासी से 10 किलोमीटर दूर तलवारा में स्थित घटना में 7 लोगों की हुई मौत, वहीं 33 लोग हुए घायल। पूर्व विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला हुई गायब, पुलिस ने दी जानकारी। भानुशाली ने राज्य की अबदासा विधानसभा क्षेत्र का 2007 और 2012 के बीच प्रतिनिधित्व किया। मुस्लिमों की पार्टी बताने पर भड़की कांग्रेस, कहा पीएम मोदी की बीमार मानसिकता राष्ट्रीय चिंता का विषय। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर उनकी टिप्पणी को लेकर उन पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। महाराष्ट्र में किसानों का आज से दूध आंदोलन, कई जगहों पर हो सकती है दिक्कत। राज्य सरकार की ओर से किसानों को 1 लीटर दूध पर 27 रुपए देने की घोषणा पूरी नहीं होने के विरोध में महाराष्ट्र में दूध उत्पादन किसान आज से करेंगे आंदोलन। यूपी के संभल में 5 लोगों ने महिला को गैंगरेप के बाद जिंदा जलाया, डायल 100 पर मांगी मदद रही बेकार। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 5 लोगों द्वारा एक महिला को कथित रूप से गैंगरेप के बाद जिंदा जला देने का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और बेटी मरियम जा सकते हैं हाईकोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और उनके दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर आज कोर्ट के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दे सकते हैं चुनौती। फ्रांस बना फुटबॉल का सिकंदर, 60 साल बाद वर्ल्ड कप में हुआ ऐसा खिताबी मुकाबला। फ्रांस ने फाइनल मैच में क्रोएशिया को 4-2 से मात देकर फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण का खिताब किया अपने नाम। संघर्षों से उभरकर विश्व कप फुटबॉल में छा गया छोटा सा देश क्रोएशिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में दूसरे नंबर पर आने वाला क्रोएशिया वर्ल्ड कप में शरीक होने वाला दुनिया का सबसे युवा देश है। आज जिसे आप क्रोएशिया के तौर पर जान रहे हैं, वो प्रथम विश्व युद्ध तक ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का हिस्सा था। सेक्रेट गेम्स विवाद पर बोले सैफ अली खान, कहा सरकार की आलोचना पर हत्या संभव। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स रिलीज होने के बाद से ही विवादों में है। राजीव गांधी की छवि को लेकर कांग्रेस की आपत्ति और बीजेपी की राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच लीड एक्टर सैफ अली खान ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया। करिश्मा तन्ना के हाथ लगा जैकपॉट, रणबीर कपूर के बाद रणवीर सिंह के साथ आएंगी नजर। टीवी शो नागिन में नजर आ रही करिश्मा तन्ना हाल ही में संजू फिल्म में आई थी नजर। फिल्म में छोटा सा किरदार था, लेकिन अपनी अलग छाप छोड़ने में हुई थी कामयाब। और देसी मूव्स छोड़ बॉलीवुड स्टाइल में सपना चौधरी का डांस वीडियो हुआ वायरल। फैंस ने सपना चौधरी को ज्यादातर देसी स्टाइल में डांस करते ही देखा है, लेकिन अब जैसे ही सपना चौधरी का पर्सनैलिटी ग्रूम हुई है, वैसे ही उनकी डांसिंग स्टाइल का भी मेकओवर हुआ है।